अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस सादिक एंड आई एम योर क्लास 10 मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट किया था, जिसका हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 है, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द एजेस ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल, compute the mean age by direct and shortcut method taking any provisional mean. और यहाँ पे hint दिया गया है, take a is equal to 8. Also compute geometric mean and harmonic mean. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो data given है वो frequency distribution की form में है। इसका मतलब ये है कि ये data group data है। तो सबसे पहले हम arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean के जो formulas हैं उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। अरिथमेटिक मीन का हमारे पास जो पहला फॉर्मूला है बाय डायरेक्ट मेथड, वो है एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ। और इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड में जो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है वो है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ। और यहाँ पे डी हमारे पास क्या है, डेविएशन, और ए हमारे पास है अज्यूम्ड मीन के इक्वल। ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है वो है जी एम इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सम ऑफ एफ इंटू लॉग एक्स ओवर सम ऑफ एफ। एंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है एच एम इज इक्वल टू सम ऑफ एफ ओवर सम ऑफ एफ ओवर एक्स। अब हम बनाते हैं टेबल। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आएगा क्लास लिमिट्स, देन आ जाएगा फ्रीक्वेंसी जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ के साथ, उसके बाद हमने फाइंड करना है एक्स, देन हम फाइंड करेंगे एफ इंटू एक्स, और हमें चाहिए डेविएशन एंड दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस एट। एट हमारे पास अज्यूम्ड मीन है, ये क्वेश्चन में हमें हिंट के तौर पे गिवन है। देन हमें चाहिए एफ इंटू डी, देन आ जाएगा लॉग एक्स, एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स, और एंड पे हमें रिक्वायर्ड है एफ ओवर एक्स। तो सबसे पहले जो क्लास लिमिट्स हैं या क्लास इंटरवल्स हैं उनको लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 4 to 6, देन हम लिख लेते हैं 7 to 9, देन आ जाएगा 10 to 12, और हमारे पास है 13 to 15। अब लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसीज, वो है 10, 20, 13 एंड 7। अब हमें फाइंड करना है एक्स को, और एक्स हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट ऑफ अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। अब ये जो पहली क्लास लिमिट है हमारे पास 4 to 6, यहाँ पे 4 हमारे पास है लोअर क्लास लिमिट एंड 6 इज़ दी अपर क्लास लिमिट। और इनका मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका ये है कि लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट को ऐड किया जाए और जो रिज़ल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड किया जाए। 4 + 6 = 10 एंड 10/2 = 5, 9 + 7 = 16 एंड 16/2 = 8, 10 + 12 = 22 एंड 22/2 = 11, 13 + 15 = 28 एंड 28/2 = 14। अब हम फाइंड करते हैं एफ एक्स, 10 × 5 = 50, 20 × 8 = 160, 13 × 11 = 143, 7 × 14 = 98। अब हम फाइंड करते हैं डेविएशन। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 5 - 8 एंड दैट इज -3, 8 - 8 = 0, 11 - 8 = 3 एंड 14 - 8 = 6। अब हम फाइंड करते हैं एफ डी, 10 × -3 = -30, 20 × 0 = 0, 13 × 3 = 39 एंड 7 × 6 = 42। अब हमें चाहिए log ऑफ x, log 5 = 0.6990, log 8 = 0.9031, log 11 =
1.0414 log 14 is equal to 1.1461. अब हम फाइंड करते हैं f इंटू log x. सबसे पहले आ जाएगा 10 इंटू 0.6990 एंड दैट इज 6.99. 20 इंटू 0.9031 इज 18.062. 13 इंटू 1.0414 इज 13.5382. 7 into 1.1461 is 8.0227. अब हम फाइंड कर लेते हैं f over x. 10 over 5 is 2. 20 over 8 is 2.5. 13 over 11 is equal to 1.1818. 7 over 14 is equal to 0.5. अब हमें चाहिए sum of f और वो इक्वल आ जाएगा 50 के. sum of f into x इक्वल आ जाएगा 451 के. देन हमें चाहिए sum of FD and this is equal to 51. Sum of F into log of X is equal to 46.6129 और in the end हमें चाहिए sum of F over X and that is equal to 6.1818. अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे अरिथमेटिक मीन को बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड. तो यहाँ पे लिखते हैं अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड. हमारे पास आ जाएगा x बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 451 ओवर सम ऑफ f विच इज इक्वल टू 50. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.02. अब हम फाइंड करते हैं अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड. देन x बार हमारे पास इक्वल आ जाएगा a की जगह आ जाएगा 8 प्लस सम ऑफ एफ डी हमारे पास है इक्वल 51 के ओवर सम ऑफ f इक्वल है 50 के एंड दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 1.02 विच इज इक्वल टू 9.02. अब यहाँ पे देखा जा सकता है अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड में हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम है. अब हम फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक मीन को. हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन GM इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ सम ऑफ एफ लॉग एक्स ओवर सम ऑफ एफ
सम ऑफ एफ लॉग एक्स हमने फाइंड किया है 46.6129 के इक्वल ओवर सम ऑफ एफ है हमारे पास 50, ये इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 46.6129 ओवर 50 इज इक्वल टू 0.9323 पे जब एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 8.5566। तो ये आ चुका है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। अब हम फाइंड करते हैं हार्मोनिक मीन। वो आ जाएगा एच एम इज इक्वल टू सम ऑफ एफ ओवर सम ऑफ एफ ओवर एक्स, सम ऑफ एफ की जगह आ जाएगा 50 एंड सम ऑफ एफ ओवर एक्स हमने फाइंड किया है 6.1818 के इक्वल। 50 ओवर 6.1818 इज इक्वल टू 8.0883। तो ये आ चुका है हमारे पास हार्मोनिक मीन। अब हमने यहाँ पे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फाइंड कर लिए हैं और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज, फाइंड मॉड एंड मीडियन। यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो डेटा है ये अनग्रुप डेटा है, तो हम पहले मॉड एंड मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं एक दफा। मॉड इक्वल होता है द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। हमारे पास इस डेटा में जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होगी वो मॉड के इक्वल होगी। अब हम लिखते हैं मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन में हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस है अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हों देन क्या फॉर्मूला होगा, और दूसरा केस है व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन। तो यहाँ पे ये जो डेटा है इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, तो मीडियन हमारे पास इक्वल होता है एक्स टिल्डा के एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइज ऑफ n/2 प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन। लेकिन मीडियन फाइंड करने से पहले ये ज़रूरी है कि डेटा को अरेंज किया जाए। अब यहाँ पे पहले हम फाइंड करेंगे मॉड को एंड देन फाइंड करेंगे मीडियन को। मॉड हमारे पास इक्वल होगा 4 and 9 के, बिकॉज ये जो डेटा गिवन है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 4 and 9 रिपीट हो रहे हैं और ये दोनों 6 times रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे मॉड हमारे पास इक्वल हो जाएगा 4 and 9 के। अब हम फाइंड करते हैं मीडियन को, लेकिन उससे पहले ये जो डाटा है उसको अरेंज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम पहले डाटा को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 2, देन है 3, देन आ जाएगा 4 जो कि 6 times है, देन आएगा 5, देन आएगा 6 3 times,
then I got 7, 5 times, उसके बाद आ जाएगा 8, वो भी 5 times है, then आएगा 9, 6 times, then आ जाएगा 10, 2 times, then आएगा 11, 2 times, एंड पे आ जाएगा 12. अब हम फाइंड करते हैं मीडियन. मीडियन इज इक्वल टू एक्स टिल्डा वन ओवर टू इंटू साइज ऑफ, अब एन हमारे पास है 38 के इक्वल बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 38, तो यहां पे आ जाएगा 38 ओवर 2 प्लस 38 प्लस 2 ओवर 2 ऑब्जर्वेशंस. And this is equal to 1 over 2 into size of 38 over 2 is 19 plus 38 plus 2 is 40 and 40 over 2 is 20. तो यहाँ पे आ जाएगा 20th observations. अब इस डेटा में देखा जा सकता है हमारे पास 90th एंड 20th ऑब्जर्वेशंस हैं, दोनों ही 7 के इक्वल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू 7 प्लस 7, 7 प्लस 7 इज 14 और नीचे आ जाएगा 2 एंड 14 ओवर 2 इज इक्वल टू 7. तो मीडियन हमारे पास इक्वल आ चुका है 7 के, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में.